कहां से आई हो लड़की? किसकी बेटी हो? मैं इस गांव की नहीं हूँ पीरू मुर्शिद। मुझे पहले ही लग रहा था कि इस गांव की नहीं लगती। बड़ी दूर से आई हूँ आपकी शौहरत सुन के। अकेली आई हो? जी पीरू मुर्शिद, मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ वो मुझे नजर उठाकर तक नहीं देखता। उसके लिए कोई तावीज देना। बहुत ही बदसाख शख्स है जो तुम्हारी तरह नजर उठा के नहीं देखता। हाय कम है जो इस हुस्न को देखने के लिए तरस रहे हैं। जी मेरा मतलब है कि या तो तुम्हें कोई ऐसी खूबी नहीं होगी कि वो तुम्हारी तरह नजर उठा के नहीं देखता। ऐसी बात नहीं है, मेरे हुस्न के चर्चे दूर दूर तक हैं। मोतियों जैसे दांत, गोरी रंगत, नर्म गुलाबी होंठ और हिरनी जैसी आंखें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मगर एक वो है जालिम, मुझे घास तक नहीं डालता। लानत भेजो उस बेकदरे शख्स पे। कैसे लानत भेज दूं? मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ भी, कुछ भी। देखो एक चिल्ला है, सारी रात काटना पड़ेगा। काट लोगी? काट लूंगी। तुम ऐसे करो कि यही मेरे डेरे पे रात को आ जाना, मैं तुम्हारा चिल्ला भी आसानी से करवा दूंगा और तुम्हारी जान की हिफाजत भी करूंगा। जो हुक्म पीरो मुर्शिद, मैं आज रात ही आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, लेकिन किसी को बताना ना, चिल्ला बर्बाद हो जाएगा, अकेले आना। जी अब इजाजत। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? मैं उस पीर के बच्चे का ना पर्दा फाश करके रख दूंगी। सबको बताऊंगी कि बतूल पप्पू ने किसकी मदद से सब कुछ किया। ऐसा मत करना सारा, वरना। वरना क्या? वरना क्या होगा? वरना सबको पता चल जाएगा। अगर वो बतूल पप्पू का नाम ले सकता है तो वो सबके सामने मेरा भी नाम ले लेगा। क्या तुमने बतूल पप्पू के साथ? अनबिलीवेबल, मुझसे गलती हो गई है सर। मैंने बतूल पप्पू की बातों में आके उस पीर के तावीजों का सहारा लिया सिर्फ उस शब्बों से छुटकारा पाने के लिए। असगर से, असगर से। हाँ सर, मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन